एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक फिर से एक और नया वीडियो, जिसमें कि आज मैं आप सबके साथ करने वाली हूँ स्किन केयर। तो चलो हम करते हैं अपना स्किन केयर, वो भी बस एक चीज़ से। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज़ से आपका सारा स्किन केयर हो जाएगा, वो भी थ्री स्टेप में। आपको एक चीज़ लेकर थ्री स्टेप करनी है, उसमें आपके सारे स्किन केयर हो जाएंगे आराम से। तो आपको बस एक चीज़ ही लेना है, दूध। तो आपको दूध में ही आपको सबसे पहले अपना फेस को स्क्रबिंग करना है। तो दूध में आप थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स करके, एक चम्मच दूध लेना है और दो चम्मच चावल का आटा लेकर आपको उसको मिक्स कर लेना है। यहाँ देखो गिर गया मेरे से। तो उसके बाद इसको फेस पे लगा लेना है। फेस पे लगाते लगाते आप स्क्रब करेंगे, स्क्रब करना है अच्छी तरीके से। आपने फेस को दोनों हाथों से अच्छे से मसाज करके स्क्रब कर लेना है थोड़े देर के लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, आपको दूध में ही एलोवेरा जेल मिला लेना है। एलोवेरा जेल मिलाते ही ये बन जाएगा क्रीम। तो आपको इस क्रीम को इसी के ऊपर लगाना है। तो हमने तो मिल्क से ही स्क्रब किया हुआ था, तो अगर आप इसके ऊपर भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने इसके ऊपर ही लगाया ये क्रीम को, तो इस क्रीम को मैंने लगा लिया। इस क्रीम को लगाने के बाद फिर आपको थर्ड स्टेप करना है। आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी एक चम्मच, और एक चम्मच चावल का आटा, और एक चम्मच बीट रूट पाउडर। उसके बाद आपको उसमें दो चम्मच दूध मिला लेने हैं। तो मिलाते ही एक आपका फेस पैक तैयार हो जाएगा थ्री स्टेप में। तो आपको इसको इसके ऊपर भी आप लगा सकते हो, या फिर आपकी मर्जी है आप इसे हटा भी सकते हो। जो आपने क्रीम या फिर स्क्रब लगाया था इसको हटा भी सकते हो। तो मैं इसको नहीं हटाऊंगी, मैं इसी के ऊपर लगा रही हूँ। तो इसी के ऊपर लगाने के बाद में, अच्छी तरीके से लगाने के बाद में, आपको इसको 15 मिनट तक सूखने के लिए रख देना है। 15 से 20 मिनट तक सूख जाएगा, उसके बाद आपको इसे धोना है। तो आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस एक दूध से ही आप सारा स्किन केयर कर सकते हो। तो यहाँ देखो मैं इसको अभी हटाने वाली हूँ आपके सामने। तो ये देखो स्किन, पहले की और अभी की स्किन देख सकते हो आप, बहुत ही अलग मतलब कि लग रही है। तो आपको मैं ये पूरा हटा के दिखाऊंगी कि किस तरीके का ग्लो आता है फेस पे। 15 मिनट रखने के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया। तो वॉश करने के बाद देखिए कितना ग्लो आ गया है चेहरे पे, पहले से ही ज़्यादा ग्लो आ गया है। एक ही बार में मेरा ग्लो आ चुका है। तो ये तीन स्टेप में आप घर पे ही अपना स्किन केयर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। आपको कोई झमेला झंझट नहीं करना है, बस तीन स्टेप में एक ही चीज़ लेकर आपको अपना स्किन केयर करना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।